मेरी लाइफ के दो ही पैशन हैं, एक ट्रैवलिंग और एक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2005 में, लेकिन सही मायने में इंश्योरेंस की डेफिनेशन मुझे समझ में आई 2013 में। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था। एक दिन एक महिला किसी से रेफरेंस लेकर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने करीब एक साल पहले उनके और उनकी एक 13 साल की बेटी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी ही कंपनी से परचेज की थी और कुछ दिन पहले उनकी 13 साल की बेटी को थर्ड स्टेज का ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ। ल्यूकेमिया यानी के ब्लड कैंसर, और डॉक्टर ने उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रेस्क्राइब किया था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। उस लेडी ने लगभग रोते हुए मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं क्योंकि उनके पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने अपनी क्लेम टीम से बात की तो पता चला कि उस क्लेम में कुछ क्वेरीज रेज हुई थी जिसका रिप्लाई नहीं मिलने के कारण उस क्लेम को क्लोज कर दिया गया। मैं हॉस्पिटल गया क्योंकि वो लोग फोन पर रिवर्ट नहीं कर रहे थे। सारे पेपर्स कलेक्ट किए। मैं उस डॉक्टर से भी मिला जिसने फर्स्ट टाइम उस बच्ची को कंसल्ट किया था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर की भी डिमांड की थी। इस पूरे प्रोसेस में मुझे करीब 3 से 4 दिन का समय लगा, बट फाइनली वो क्लेम अप्रूव्ड हो गया। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस पूरी घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया और मैंने खुद से एक कमिटमेंट किया कि कोई भी क्लेम जो जेन्युइन होगा ना तो वो रिजेक्ट होगा और ना फिर वो डिले होगा। और मैंने अपने खुद से किए हुए इस कमिटमेंट को प्रैक्टिकली एक रूप दिया और उसको नाम दिया insurancesewa.com। insurancesewa.com एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक रिवॉल्यूशन है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म है।